गुड आफ्टरनून। सो अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमने आई गेस 150 तक डिस्कस हो गया था ना हमारा क्वेश्चन 150। वन फिफ्टी ऑनवर्ड्स हमें इस बार देखना है ये वाला प्रैक्टिस शीट और नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 50। सिर्फ इतने सेक्शन से ही रहेगा जो अपकमिंग पेपर होगा, ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में बता दिया हुआ है। ठीक है, तो चले डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, देखें क्या डाउट्स हैं। चले बताएं 151 से स्टार्ट करते हैं, 155 तक बताएं कोई डाउट। क्वेश्चन 151 टू 155, एनी डाउट? चलो 151 थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो, क्या ग्राफ दिया है पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बेसिक आइडिया। डीवी बाय डी एक्स, तो मतलब मैं वी बाई एक्स का थॉट दे सकता हूँ, मतलब डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, और साथ में क्या रहता है, माइनस। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व का क्या चीज आंसर करना है हमें, स्लोप। तो पूछा है कहाँ पर मिनिमम है, तो देखो दिख रहा है किस पॉइंट पर मिनिमम है, ए पर। और अगर आगे बात करें तो देखो सी के आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जो बी पॉइंट होता है ना, बी पॉइंट ये बहुत ही यार इम्पोर्टेंट होता है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर आप इस पॉइंट के थोड़ा भी पहले जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, जीरो, और थोड़ा भी आगे जाएंगे तो इनफाइनाइट मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट होगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, बी पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप वाला होगा। बी का स्लोप जीरो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि बी के इधर जीरो होगा, आगे से स्टार्टिंग इनफाइनाइट होगा। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन ऐसा डाउटफुल है, क्लियर करना चाहिए, बट हाँ अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम सर्च करना है तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मिनिमम ए पॉइंट बनेगा और मैक्सिमम बी पॉइंट बनेगा। चले 55 टू 60 में बताए, एनी डाउट? 58 58 टू 60, एनी अदर डाउट? 59 59 59। ठीक है 58 देख लेते हैं, 58 देखें सभी, 58 देखते हैं। सो दिया हुआ है टू रिंग्स, ओके तो हमें दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जबकि हमें चार्ज दोनों का दे दिया, इसका क्यों, इसका माइनस क्यों, हमें ये पॉइंट का तो बताया था ना यार, पोटेंशियल दोनों के वजह से होता है। तो वी ए जब लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर वन इसका खुद का, तो यार फील्ड नहीं लिख रहे हम, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल, तो जीरो हो जाएगा क्या सेंटर पर, नो सर, ए क्यू बाई आर, आर। ओके फिर ये नेगेटिव वाले का इस पर देखेंगे, बट मैंने बताया था कि पोटेंशियल स्केलर है इसलिए पूरी पूरी रिंग का पोटेंशियल क्या होता है, बस ऐड होता जाता है, ये वाला आर यूज होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन, ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी है ये आर है, तो रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ ए। फिर क्या पूछा है, पोटेंशियल ऑफ बी, तो पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो बी का खुद का पोटेंशियल मतलब माइनस के क्यू बाई आर, और ये प्लस वाले से डी डिस्टेंस पर है, तो प्लस के क्यू बाई रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी पूछा क्या है, पूछा है हमसे डिफरेंस सेंटर ओ वन माइनस ओ टू, मतलब बी ये ओ वन है ये ओ टू है, सो बी ओ वन माइनस ओ टू, देखो क्या बचेगा, अगर इसमें ये माइनस कर देंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला भी ऐड हो जाएगा, इसका मतलब टू टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाय रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो बताइए कितना सिंपल था या नहीं, बताए yes. और के की वैल्यू रख देनी है क्या, B. बस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रख देनी है,
तो ए टू कैंसिल आउट होके आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ए बी बी दिख रहा है। ओके ठीक है, चले कौन सा देखेंगे अभी, 59 देख लेते हैं क्या कर रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस शोइंग आर इज मच ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो मतलब हमें इस पॉइंट पर चाहिए पोटेंशियल। अभी देखो कितने चार्जेस हैं हमारे पास, एक दो तीन चार्जेस हैं। तो यार अभी क्या यहाँ पे बोला है क्या कि कुछ डाइपोल वगैरह है? नहीं, बट ये कंडीशन दी है तो हम स्ट्रेट सॉल्व करेंगे, बाद में ये कंडीशन को ट्राई करेंगे यूज करने का। तो चले अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वी एट पी। नंबर वन पहले ए वाले चार्ज से देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, और वन अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, फिर बीच वाले को देखेंगे तो वो भी प्लस है, सो वन अपॉन आर, ये वाला तो माइनस है, माइनस वन अपॉन आर माइनस आर प्लस है, सॉरी। तो ये हो गया। अभी यार इसे एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यार अगर इसे एलसीएम लेके सॉल्व करे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आर, और ये हो जाएगा आर प्लस ए आर माइनस ए, ये होगा अपना एलसीएम। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आर प्लस ए हटेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, R into R plus A, then plus R हटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या R square minus A square, A plus B वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस प्लस वाला हट जाएगा तो क्या बचेगा, R R minus A, समझा कि नहीं? Yes. बस यार अब ये थोड़ी सी सॉल्विंग है तो इन चीज को समझ लेना और बस अकॉर्डिंगली अप्रोच कर लेना था, तो कुछ खास इसमें था नहीं। ये हो गया R square plus R A प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर ए, ये आ गया सेगमेंट। तो इसमें देखो ऊपर क्या क्या कैंसिल हुआ, एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एक बच जाएगा, आर ए रहेगा ही टू आर ए, और माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है। ओके और नंबर क्या बचा, बॉटम पर आया आर, तो क्या करें, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन लाने के लिए हमें कहीं पर डिवाइड लेके आना पड़ेगा कि आर का डिवाइड आ जाए। तो अगर आर एक बहुत बड़ा नंबर है तो ए बाई आर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। तो अपन यही ट्राई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यू, हम क्या कॉमन ले लेते हैं, आर एक कॉमन ले लेते हैं या आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, वन माइनस टू ए बाई आर प्लस, हाँ प्लस टू ए बाई आर, और फिर माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो ये हो गया, अपॉन बॉटम पर क्या आया, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, आर क्यूब, और ये बन जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो यार कि क्या लग रहा है, ऑप्शंस में देख के लग रहा है कि ये वाला टर्म आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वन अपॉन आर को नहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं, आर बड़ा तो है लेकिन आर स्क्वायर वाले टर्म को जाके नेगलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब आर स्क्वायर मिल रहा है। हाँ सर, वो कॉर्नर के दो चार्ज को डाइपोल जैसे ट्रीट किया तो, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी बताते हैं, एक डाइपोल और एक चार्ज का इंटरेक्शन करा देंगे, बट प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों को अगर डाइपोल मानोगे तो फिर आपको यहाँ से डिस्टेंस पता होनी चाहिए थी। तो बेसिकली क्या करेंगे, एक चार्ज अलग सॉल्व करेंगे और एक डाइपोल अलग, है ना, आंसर आ जाता है उससे भी। मैं जस्ट आपको अभी एक मैथमेटिकल बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, रुके अभी। तो ये हो जाएगा जीरो यहाँ पर, तो ये जीरो ये जीरो, फाइनल चार्ज कितना आ गया, आर स्क्वायर कट आ गया के क्यू भाई हाँ। आर नीचे वन है तो वो कैंसिल, वन प्लस टू ए भाई आर, तो अब वन बाई आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर दिख जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसे अकॉर्डिंग दिख जा रहा है हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या है कि आपको पोटेंशियल चाहिए पी पर,
तो आप नोटिस करो कि आपको एक पोटेंशियल ए बी डाइपोल मिल रहा है, दिख रहा है या नहीं? एक ए बी डाइपोल मिल रहा है प्लस एक चार्ज मिल रहा है, समझा या नहीं? तो डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होता है? R square plus charge की वजह से क्या होगा? KQ by R. 2KP है ना? 2KP. R. नहीं, field थोड़े है, potential है ना? ठीक है, potential है, potential KP by R होता है ना, field होती है 2KP by R cube. अब P की value रख दो, P की value क्या होगी? Q into बीच की distance कितनी है? 2A upon R square, और ये कितना है? KQ by R square. समझा कि नहीं? बट ये तब है जब आपको पता होता कि क्वेश्चन डाइपोल का है, तो डेफिनेटली इतनी स्टडी इसीलिए की जाती है ताकि क्वेश्चन देख के समझ आए कि डाइपोल बन रहा है, डाइपोल के फॉर्मूले से जल्दी से हो जाएगा. ओके, यार क्लियर है या नहीं? यस सिक्सटी फाइव तक डाउट्स बताएं. तक कोई और डाउट? देखें, सो ये एक डाइपोल है, मान लेते हैं माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है P, वो कहाँ पर है? एक्सियल में है, और Q कहाँ पर है? इक्वेटोरियल में है. ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है या नहीं? इक्विडिस्टेंस है, तो फिर क्या पॉइंट होगा? ये R डिस्टेंस है और ये R डिस्टेंस, तो हमने ऑलरेडी देखा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो. और यहाँ पर क्या आएगा? नॉन जीरो KP by R square. तो बस देख लो, P पर नहीं, Q पर जीरो, P पर नॉन जीरो. ठीक है ना? Yes sir. चले अप टू 70 बताएं डाउट. 66 और 66 टू 70 में और कोई डाउट? 68 69 चले देख लेते हैं. अच्छा, कोई क्वेश्चन मिस हो जाया करे तो बता दिया करें, ऐसा कुछ नहीं है. अगर लगे तो फिर बता दें आप, तुरंत हम डिस्कस कर लेंगे. स्ट्रेट वायर लेंथ एल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, व्हाट इज इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट? ओके, तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होती है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? इक्विवेलेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं क्या? इफेक्टिव. तो पहले लेंथ क्या थी? अगर मैं पहले डाइपोल लिखता तो यस, पहले उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो स्ट्रेट थी, यही है ना? एल लेंथ की वायर है ना, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल इलेक्ट्रिक डाइपोल पी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर की लेंथ एल है और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? पी. तो अगर मैं पी का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? हाँ, तो फॉर्मूला इसका कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लिखूंगा क्यू इंटू एल. ठीक. अच्छा, अभी हुआ ये कि इसको हमने सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, तो सेमी सर्कल बनाने की वजह से इसकी रेडियस कितनी हो गई? तो इसका मतलब पाई आर किसके बराबर हो गया? एल. एल के बराबर हो गया. यहां से आ जाएगी उसकी रेडियस. अब मुझे पता है कि डाइपोल में तो इफेक्टिव लेंथ यूज करते हैं ना, मान लेते हैं ये एल डैश, तो इस बार नया पी डैश कितना आ जाएगा? पी डैश हो जाएगा क्यू इंटू एल डैश, और एल डैश कितना है? टू आर.
और आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? एल बाय एल बाई पाय। तो एल आर की वैल्यू हो गई क्या एल बाई पाय। और क्यू इन टू एल को लिख सकते हैं क्या पी पी। तो टू बाई पी अलग टू बाई पाई अलग हो गया पी। ये आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? तो मेन मुझे लगता है इसमें आपको डाउट इफेक्टिव का ही आया होगा कि बेंट करने से क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चार्जेस के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बदल गई। क्लियरिटी है या नहीं? यस सर। यस यस ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके तो इसका मतलब ये है कि फील्ड के लॉन्ग है। मैंने बताया था डाइपोल ऑलरेडी किसके लॉन्ग रहता है? फील्ड के लॉन्ग ही रहता है। अब आपने 60 डिग्री घुमाया तो हमें वर्क करना पड़ेगा या खुद घूम जाएगा? करना पड़ेगा ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या निकालेंगे फिर? वर्क डन डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा कितना माइनस पी ई cos 60 माइनस cos 0। cos 60 कितना 1 बाय 2 माइनस 1। तो कितना आ गया p बाई 2। नेक्स्ट दोबारा कहां तक करना है हमें? 180। तो cos 0 से 180 मतलब cos 180 मतलब माइनस 1 माइनस माइनस 1। तो कितना हुआ प्लस 2p। अब बोला ये कि p बाई हाफ को w बोलना है मतलब इसको कितना हो गया 4w। ओके ठीक है। ये तो स्ट्रेट था यार। ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ भी है नोट्स में। 69 देखते हैं। हाँ सर वो 66 में रॉड है ना? कहाँ पे 66 में रॉड है तो पूरे रॉड में चार्ज होगा ना? हाँ यार पूरे रॉड में होना चाहिए बट बिकॉज वो डाइपोल मोमेंट निकाल रहा है तो इसका मतलब वो मान रहा है कि एजेस में होगा। माना ये यूनिफॉर्म चार्ज है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लेकिन अगर बेंट किया है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ ही यूज की जाती है डाइपोल लिखने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेट में भी देखने को मिलेगा। ओके 69 देखते हैं। अरे बेटा P और Q कहां पर रखे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। लेकिन लेकिन ये डाइपोल के लिए होता है। कहीं पे कहा है क्या कि डाइपोल है? नहीं कहा बट अच्छी बात यह है कि एक चार्ज प्लस 10 है और एक चार्ज माइनस 10 है तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा। अच्छी बात है कि एंगल बाइसेक्टर पर कोई सी भी पॉइंट की डिस्टेंस लोगे हमेशा क्या आएगी दोनों डिस्टेंस सेम। इसलिए दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा सेम। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट पोटेंशियल चेंज कितना होगा हमेशा चले देख लेते हैं। 71 देख लेते हैं। बताए तो यार फोर्स लग रहा होगा क्या कोई भी डाइपोल में यूनिफॉर्म फील्ड में? नहीं। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है? माइनस पी। अब वो अलोंग द फील्ड रखा हुआ है तो फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैंने बताया कि यहाँ पर अगर मैं अपना प्लस चार्ज रख दूंगा और इधर माइनस रख दूंगा तो क्या स्टेबल होगा क्या वो?
नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज्यादा सोचना नहीं होना होता, सिर्फ क्या फॉर्मूला यूज कर दो, cos theta, नोट्स में कराया है, अगर आपने थीटा जीरो रखा तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पी, जो कि सबसे मिनिमम है, इसी को सबसे स्टेबल बोलते हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी सबसे मिनिमम, मिनिमम, ओके, हाँ सर, यस, ठीक है, 73 देखते हैं, अरे ये किसने पूछ लिया, डाइपोल मोमेंट एंड उसकी इक्विटोरियल पोजीशन पर फील्ड क्या होता है एंगल 180 डिग्री भाई ऐसे ऐसे डाउट मत लाओ यार, ऐसे तो फिर टेस्ट में क्या करोगे तुम लोग यार, क्लियर है इसमें कुछ बताने वाली बात है यार, हाँ लर्न करना है ये सारी चीजें, 80 तक बताएं डाउट्स, अप टू 80 कोई डाउट, 180 और कोई, देखें 180 देख लेते हैं अपन, फील्ड गिवन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अरे यार तो बताओ यार वी कैसे निकालते हैं फील्ड अगर गिवन होगा, ऊपर से वेरिएबल गिवन है, क्या सिर्फ ई इनटू डी लगा दोगे क्या, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, तो क्या कर रहा है, बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो आई कैप का हमेशा आई कैप के साथ होगा, और डी आर में आई कैप क्या होता है, डी एक्स होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है, अब हमें लिमिट चाहिए, तो एक्स की लिमिट क्या है, टू टू फोर, और वाई की लिमिट क्या है, टू 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 वन, अच्छा अब हमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते इनको, आप समझ रहे हैं, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो मैंने बताया था कि इधर आपको क्वेश्चन देगा, कैसा क्वेश्चन देगा, हाउ वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, क्या देगा, हाउ वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये देगा, या तो फिर कुछ ट्राई करके इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा, तो कुछ याद है इसका इंटीग्रेशन, xy, ठीक है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट y, तो इसका मतलब अब मुझे दोनों कोऑर्डिनेट साथ में लिखने पड़ेंगे, क्लियर, तो कोऑर्डिनेट क्या लिख लेने पड़ेंगे यहाँ पर, 2,2 है पहला कोऑर्डिनेट, 2,2 से कहाँ तक जाना है, 4,1, क्लियर है सभी को, यार बताएं यहाँ तक ओके है, अच्छा अब क्या होगा, अब लिख देते हैं यार इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, और अब अपन को लिमिट रखनी है एक्स वाई की, क्या 2,2 और ऊपर कितनी 4,1, तो पहले लिखेंगे 4×1 माइनस 2,2, 2×2, ये तो वही आ गया, ये तो जीरो हो गया यार, yes. ठीक है कोई बात नहीं, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो यार आइडिया समझ आया कि इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स एक मिसिंग पार्ट था, बट हमें लिमिटेड डेटा दिया गया, इसलिए दिया गया कि हम फाइंड कर सकते हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ओके, यार क्लियर है ये, ओके 85 तक बताओ यार, 83 और कोई 85 84 81 कहाँ गया,
ठीक है 81 देखते हैं, चले स्टार्ट करें। अरे तो इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल पूछना है, बस चार्जेस अलग अलग दिए हैं। क्या दिया है कि दोनों को मिला के कितना चार्ज दिया है क्यू, हम मानेंगे कि इसे मिला है क्यू वन चार्ज और इसे मिला है क्यू टू चार्ज। और किस तरीके से क्यू को दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है कि दोनों में क्या चीज सेम रहे, सिग्मा। मतलब कि क्यू वन बाई स्मॉल आर स्क्वायर विल बी सेम एज क्यू टू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझा कि नहीं, ये कंडीशन गिवेन है। अब क्या फाइंड करना है बताओ, पोटेंशियल एट सेंटर। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, रिंग के अंदर तो हर जगह क्या आएगा कांस्टेंट, तो क्या आएगा के क्यू वन बाई आर प्लस, बड़ी वाली रिंग के अंदर भी तो हर जगह पर कांस्टेंट होगा ना, के क्यू टू बाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यार थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या रिप्लेस करवा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सिर्फ किसके टर्म्स में दिया है, क्यू क्यू, तो थोड़ी सी डेटा यूज करेंगे क्या कि क्यू वन प्लस क्यू टू मिला के कितना है क्यू क्यू, एक डेटा ये यूज हुआ। अब यहां से रेशियो लाने का ट्राई करते हैं कि क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो कितना आ रहा है, आर बाय आर स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं यहां से, मान लेते हैं ये रहा के क्यू वन अपॉन आर प्लस, इसे क्या लिख दिया के कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन, ठीक है अपॉन आर। अब सोचने वाली बात है कि क्यू वन दिख जाएगा ना, और क्यू वन को यहां से रिप्लेस कर दो, यहां पर क्यू टू को फिर से क्या लिख दो क्यू माइनस आर, तो रेशियो आप देखिएगा कि कैसा दिखेगा, क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू वन आ जाएगा ना इन टर्म्स ऑफ क्यू, वो क्यू वन यहां पर आपको रिप्लेस कर देना इन टर्म्स ऑफ क्यू। ओके समझा आइडिया। तो थोड़ा सा मतलब ऑफ कोर्स लेंथी क्वेश्चन है, बिकॉज वैल्यूज नहीं दिए हैं, कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, तो हमें प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आइडिया समझ आया या नहीं 81 का? यस सर। यहां से अपन निकालेंगे क्यू वन, ठीक है, इधर पूरा मिला के इन टर्म्स ऑफ क्यू है, और यहां पर क्यू वन को रिप्लेस कर देंगे किससे, इधर पे जो वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ क्यू से, तो पूरा इक्वेशन कैपिटल क्यू में सॉल्व हो जाएगा। चलो 83 देखते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ किया नहीं है, चार्जेस वगैरह कुछ दिए नहीं है, तो मैंने बताया कि पोटेंशियल निकालने में इंडक्शन करने की जरूरत नहीं है, प्लस क्यू की वजह से निकाल दो। तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल तो सिंपल आएगा ना, कोई डाउट है क्या इसमें? और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या आएगा के क्यू बाय ए के लिए क्या आएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस डी वन। समझा कि नहीं? हाँ। दूसरे का होगा के क्यू वन माइनस एक्स प्लस डी वन माइनस वन बाई एक्स प्लस डी वन प्लस डी डी वन प्लस डी टू, ठीक। अच्छा अब के क्यू कैंसिल, हमें फाइंड क्या करना है, ओके डी वन डी टू में रिलेशन लेके आना है कि ये क्वेश्चन होल्ड करे। यार अभी देखो यार इतने सारे वेरिएबल है, डी वन डी टू और एक्स तीनों वेरिएबल है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, एक्स को कैंसिल कर पाओगे क्या? नहीं, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों तो उल्टा ऐड हो जाएंगे, फिर डी वन डी टू इतने अलग है कि एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं,
अगर ये कुछ रिलेशन पहले से दे देता तो काम बन जाता। तो इंस्टेड आप क्या कर लो, ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दिए, एक है ग्रेटर, लेस, इक्वल और 1.5, तो चारों चेक करने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ऑल फोर वैल्यूज आपको समझनी पड़ेंगी। तो पहले फिक्स वैल्यू देख लो, क्या डी वन इज इक्वल टू डी टू काम करेगा या नहीं। ये 1/x, 1/ मान लेते हैं डी वन डी टू दोनों ही कितने हैं, एक्स जैसे हैं, वेरीफाई कुछ भी हो वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं अपन, तो क्या आ रहा होगा 1/2x, यहाँ पर 1/2x, यहाँ पर 1/3x। समझे, मैं फिर से करता हूँ, 1 - 1/2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 - 1/3, तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 3 - 2 1/6। अरे इसका मतलब इक्वल होने में तो ये बहुत ज्यादा लेस हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको ये डिफरेंस इसके साथ मैच करना है तो डेफिनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना, तब ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी ताकि इस रेंज में पहुंचे। आप समझ रहे हो, दोनों का जस्ट अपोजिट वाला आ रहा है, इसका मतलब इक्वल तो नहीं काम कर रहा, 1.5 ट्राई कर लेते हैं, लेकिन 1.5 तो D1 बोल रहा है ना, D1 तो उल्टा छोटा ही होगा, किसे बड़ा होना चाहिए, D2 को बड़ा होना पड़ेगा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी ना नहीं, बी होगा ना, D2 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है यार, मतलब बिना मतलब एंटीसिपेशन है इसमें कि क्या वैल्यू रहेगी। क्या हुआ, सी दिया है आंसर की, मैं सी दिया है, नहीं यार इक्वल तो नहीं हो रहा यार, क्या बी दिया है, बी ही होगा, क्योंकि देखो ये इक्वल तो बैठ नहीं रहा, और हमें पता है कि D2 को तो बड़ा लेके आना पड़ेगा, तो ये तो उल्टा ही रिलेशन दे रहा है ना, अगर D2 is equal to 1.5 D1 देता तो फिर एक बार चेक करते हैं अपन। ठीक है, चलते हैं 84 ट्राई करते हैं। ओके, देखो यार ये डीसी पढ़ने में एक क्वेश्चन आया था, और मैंने ये बताया था कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम से मतलब किसका इक्विलिब्रियम होता है, बताओ सिस्टम मतलब किनका इक्विलिब्रियम चाहिए हमें, चार्ज मतलब किसका, एग्जैक्टली किनका इक्विलिब्रियम, सारे चार्ज का, सिस्टम मतलब किनका इक्विलिब्रियम चाहिए, ऑल, क्योंकि क्यू का कुछ भी चार्ज हो, Q तो हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहेगा ना, बताओ सही है या नहीं, स्मॉल Q की बात कर रहा हूँ, स्मॉल Q ऑलवेज रहेगा या नहीं, yes. क्योंकि ये सारे सेम है तो पूरा कैंसिल आउट होगा, बट नहीं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है क्या सब लोग इक्विलिब्रियम पर होंगे, तो Q तो हमेशा होगा, हमें किसे चेक करना चाहिए, अब कॉर्नर, इसी एक कॉर्नर वाले को चेक कर लो, तो मुझे पता है कि बाकी लोग कितना फोर्स लगाएंगे इस पे, ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, और ये लगाएगा इधर, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, एल रूट टू, तो नीचे वो माइनस क्यू है ना, कौन सा माइनस क्यू, ठीक है तो उससे कुछ फर्क थोड़े पड़ रहा है, सिनेरियोस जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी फोर्सेस देख लो, अगर मैंने इसे बोला F, तो यहां पर बताओ सेंटर पे कितना आएगा, F/2 आएगा, ये समझा कि नहीं सबको, yes. ठीक है, और ये खुद FF का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F root 2, तो मतलब F/2 प्लस F root 2, इतना फोर्स लग रहा है किस पे, रिपल्सन का, तो स्मॉल क्यू वाले को कितना ही इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, किस चीज का, अट्रैक्शन का, तो डेफिनेटली स्मॉल क्यू का साइन क्या होना चाहिए, प्लस पॉजिटिव, पहली बात पॉजिटिव, दूसरा मैंने एफ को ले लिया कॉमन,
और f की वैल्यू लिख देता हूँ, f की वैल्यू थी k q q बाई l स्क्वायर, कोई डाउट क्या? अच्छा स्मॉल q के लिए डिस्टेंस कितनी है? L by root 2 का स्क्वायर, तो बस आंसर आ गया, समझा? Yes. आंसर है ये कट हुआ और 2 ऊपर चला जाएगा, फिर इधर डिवाइड में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा q बाई 2 1 by 2 plus root 2 और साइन पॉजिटिव। आइडिया समझा कि नहीं? सिमिलर क्वेश्चन डीसी पढ़ने में था, बस उसमें ऐसे 3 चार्जेस लिए थे, याद आ रहा है कि नहीं? Yes. और मैंने ये चीज बताई थी कि अगर सेंटर पे करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes. किसी कॉर्नर पर कहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लाइन अंडरलाइन भी की थी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसका इक्विलिब्रियम चाहिए? सिस्टम। तो ये क्वेश्चन मैंने डीसी पांडे वाला भी बोला था नोट्स में ऐड करो और इसे भी ऐड करो। चलो 90 तक बताए डाउट्स। 89, 87, 85 है वापस मुड़कर। चलो 85 देख लेते हैं। 85 किसी ने मुझे डाउट भेजा था इसमें शायद। यस सर। हाँ ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन में है कि रिंग है एक और एक चार्ज को कहाँ पर रखा है, √3r डिस्टेंस पे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये √3r डिस्टेंस है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये r है, 2r, ये हो जाएगी 2r। अब हमें आइडिया सिर्फ इतना करना है कि हमें पूछा है कि यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद तो ये प्लस है ना और ये भी प्लस है, तो ये से रिपल करके आगे इनफाइनाइट तक पहुंचा देगा ना। तो हमें सिर्फ कहां तक जाना है, सेंटर तक। तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमें क्या देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमें जितना पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल देख लो चेंजेस, ठीक है ना? तो चेंजेस कितने हो जाएंगे अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाता है के क्यू बाई आर टू दी पावर 3/2। नहीं पोटेंशियल लिख रहे हैं तो जस्ट के क्यू बाई आर होगा ना, पोटेंशियल लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट के क्यू बाई आर। तो ये ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई डायगनल वाली आर, वो कितनी है, 2r। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन में फॉल्ट है, इसमें क्या देना था उसे, स्क्वायर रूट। क्लियर है ना अभी? यस सर। एटी सेवन देखें। ओके तो यार देखें, ये वही वाली बात है कि अभी अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाना पड़ेगा। क्या कि ऑलरेडी चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, टू इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट दिस, ये फिक्स्ड है, मान लेते हैं इसे स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू फिक्स्ड है कहाँ कहाँ पर, एक प्लस ए पर और एक माइनस ए पर, और एक चार्ज कौन सा, कोई ले लिया है हमने सपोज ये कैपिटल क्यू ले लिया है। अब क्या पूछा है कि अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इसे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन समझ आया सबको यहां तक? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इस सिस्टम की, अभी इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ इस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर बाद में एक्स वाली लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इन दोनों का और फिर क्यू का, ठीक है ना? तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2a डिस्टेंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाई a। बताए क्लियरिटी है या नहीं ये चीज, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो गई, पहले वाली। अब बाद वाली देखते हैं, क्या के क्यू स्क्वायर बाई 2a में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं,
ये वाली बस बदल जाएगी, ये होगी के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगी एक की, और एक की क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स। बस अब आप समझ गए यार, समझा ना क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा यू, डेल्टा यू आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मान लेते हैं फाइनल है। तो के क्यू क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू क्यू कॉमन ले लिया, ये क्या आएगा वन बाई ए प्लस एक्स प्लस वन बाई ए माइनस एक्स प्लस टू बाई ए। अब यार इसे सॉल्व कर देना, अभी जो अप्रोक्सिमेशन लगाया था वो अप्रोक्सिमेशन लगा दो, पता चल जाएगा कि x की किस पावर पे है। समझा यार सभी को, इसमें देना चाहिए था कि अप्रोक्सिमेशन लगाया है, लिखा हुआ है कि x क्या है स्मॉल है, मतलब अप्रोक्सिमेशन दे दिया है कि x इज वेरी वेरी लेस देन a, ठीक है यार आइडिया समझ आया। yes, ये yes. बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन की तरह आगे सॉल्व कर दोगे काम बन जाएगा। 89 देख लेते हैं, ओके तीनों किनकी किनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज, लीनियर एक वायर और एक प्लेन यूनिफॉर्म सरफेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब की फील्ड पता है हमें, सबके फॉर्मूले पता है, फिर क्या पूछ रहा है किसी डिस्टेंस पर इक्वेट करना है हमें, तो सबके फॉर्मूले को इक्वेट कर देते। एक का फॉर्मूला क्या आएगा अगर हम बात करें, क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। दूसरे का क्या आएगा वायर का, टू के लैम्डा बाई आर, लैम्डा बाई आर। तीसरे का क्या आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, किन्हीं दो को इक्वेट करके, अब यार समझा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, आपको समझ आया कि नहीं। इसमें ऐसे नहीं कुछ कर सकते, इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। पहले फाइंड करना है क्यू, क्यू और सिग्मा में क्या रिलेशन है, तो डेफिनेटली क्यू और सिग्मा को पिक कर लो, समझा। यस ओके। फिर बात आई लेमडा और सिग्मा में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो इस बार लेमडा और सिग्मा को पिक करें, समझा कि नहीं यार क्या करना है। Yes, सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, फिर एक बार E1 एंड E2 में रिलेशन बोल रहा है, X R की वैल्यू क्या रखकर, R0 बाई 2 रख के, तो अब आपको अलग अलग निकालनी पड़ेंगी इस बार। बट मुझे पता है कि E2 में क्या है, एक 2 है, नहीं नहीं ये 2 तो ठीक है, E2 किस चीज की फील्ड है, वायर। हाँ तो ये थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले इसकी फील्ड निकालो किस डिस्टेंस पे, आर नॉट बाई टू पे, और फिर निकालो इसकी फील्ड आर नॉट बाई टू पे, फिर दोनों को मैच करो, फिर क्या करो ई टू और ई थ्री इनकी मैच करो, इसकी निकालो कहाँ पर, आर नॉट बाई टू पे। तो ये बोल सकते हैं कि एक लेंथी क्वेश्चन हो गया जिसमें एक प्राइम कंडीशन दी है और ऑल चेक करने पड़ेंगे हमें, ओके। ठीक है, शायद हम हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। अच्छा yes, तभी तभी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े तो लेंदी रहेंगे क्वेश्चन, सारे टेस्टिंग करने पड़ेंगे। बताएं 95 तक बताएं डाउट्स। 93 और 94 देख लेते हैं, कौन सा 91 भी देख लेते हैं एक बार।
ओके तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस की डिस्टेंस दे दी, हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो मान लेते हैं पॉइंट चार्जेस कुछ क्यों है, तो सबका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर उन्हीं की पोजीशन ही तो आर बन जाएगी ना, मतलब वन बाई वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस लाइक वाइज वन बाई फोर, नहीं 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 सॉरी वो थ्री नहीं वन बाई फोर का स्क्वायर फिर ओके फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा ऑप्शन हमें लेके आने, मतलब के की वैल्यू रख देनी है और हमें इस पूरी सीरीज को इनफाइनाइट तक ऐड करना पड़ेगा। तो बाप सोचे इस सीरीज को जैसे नेक्स्ट है क्या वन बाई एट का स्क्वायर, सीरीज के बारे में समझने का ट्राई करें कि क्या हो क्या रहा है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इसमें एक तो है वन, फिर है वन बाई फोर, फिर वन बाई माइनस आर सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटी फोर। तो नोटिस करो कि किसका मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, वन बाई फोर का। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म है ए अपॉन वन माइनस आर, आर ए अपॉन वन माइनस आर, ये हो जाएगा इस जीपी का समेशन, मतलब वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर, तो मतलब थ्री बाई फोर मतलब फोर बाई थ्री। तो क्या आंसर आ गया इसका? क्यू बाई थ्री फोर बाई थ्री, ठीक है, और फोर पाई से फोर कैंसिल हुआ क्यू बाई थ्री, तो ऑफ कोर्स ए और बी में से कुछ होगा। फिर क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ कंसेक्यूटिव चार्जेस आर अपोजिट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? अगर मैं माइनस फोर का मल्टीप्लाई कराऊं तो सेम चीजें बनने लगेंगी ना, माइनस वन बाई फोर का, समझा कि नहीं? अगर मैं माइनस फोर बार बार करूंगा तो एक प्लस एक माइनस आने लग जाएगा ना, तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन प्लस वन बाई फोर मतलब फोर बाई फाइव, सो वो वन बाई थ्री आएगा, वन बाई फाइव आएगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? यस ओके। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, नीट वाले स्टूडेंट्स को हॉट्स क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी लेंदी होते हैं, नीट में इतना ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत नहीं होती है। देखें 93 अरे ये तो बता चुके ना, सेम चीज दोनों का पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना V1 V2 का, समझा कि नहीं? ये किस क्वेश्चन से मैच हो रहा है? हाँ ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे जो D था रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आया था ना, वो D इस बार R ही दिया है, तो ये जो डायगोनल डिस्टेंस है ये क्या है? R रूट टू। तो एक बार इसका लिखो पोटेंशियल और एक बार फिर इसका पोटेंशियल, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, स्मॉल क्यू का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पूरा वर्क डन, ठीक है। तो 93 ओके है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिमिलर। 94 देखें, ओके तो रेडियस अलग है और उनको चार्ज कैसे किया गया कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब Q1 by R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 by 2R का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि दोनों का सिग्मा सेम कह रहा है क्वेश्चन में। ओके अब उन्हें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है तो उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो पहले Q1 Q2 में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो Q1 by Q2 कितना आया? 1 by 4। अच्छा ये हो गया एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये कह रहा है कि अब आपने क्या किया उनमें कनेक्ट कर दिया, तो मान लेते हैं कुछ Q1 dash आ गया या स्मॉल Q चार्ज आ गया,
तो मैंने बताया था कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? आर पर, आर अपॉन टू आर। समझा कि नहीं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक्स है तो ये कितना है? 4x। और हमें टोटल कितना हो गया इसका मतलब? 5x। अब 5x को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? 1:2 में। समझा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या करना है, q1 को कितना मिल जाएगा? 1:2, मतलब टोटल कितने पार्ट करने हैं हमें? 3 पार्ट करने हैं। तो 5x/3 मिलेगा एक को, और q2 को कितना मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ 5x। क्लियर ना? yes. और हमसे yes, किसका so. पूछा हुआ है? सेकंड वाले का ही पूछा हुआ है। ठीक। अच्छा एक चीज और, आंसर किसके टर्म्स में दिया है? सिग्मा के टर्म्स। तो भूलना मत, सिग्मा मतलब q1 लेके आना, तभी q1 by directly pi r square कर पाओगे आप। ओके? तो यहां से q1 के टर्म्स में क्या आ जाएगा? ये x को, 5x को हटा दो। तो एक मिनट यार, इतनी पूरी जरूरत ही नहीं पड़ी फिर, अगर ऐसे ही देखना है, इसी से बस काम बन गया था। ओके? एक दिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, रुके। द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर विल बी, तो मतलब बिगर स्फीयर पे नया वाला चार्ज मतलब ये Q2, और हमसे पूछा है सिग्मा डैश, नया वाला सिग्मा क्या होगा? तो नया वाला सिग्मा होगा Q2 अपॉन 4π2r का स्क्वायर। ये है हमें फाइंड करना है। ओके? क्लियर है? यस। ओके, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। एक्स मतलब हमने किसे अज्यूम किया था? एक्स q1 को। तो वहां से क्या निकाल लेंगे? सिग्मा कितना है? यहां से निकाल लेते हैं सिग्मा कितना है। सिग्मा है q1 मतलब कि क्या, x अपॉन 4π r²। ठीक है ना? तो इसका मतलब q2 को कितना लिखा? 2/3 into 5x, और x को खुद क्या लिखा है? सिग्मा into 4π r² अपॉन, ये कितना है? 4π, 4 times of 4π r². ओके? तो इसे क्या आंसर आएगा हमारा? 4π r² कैंसिल। ओके, 5/6 आ जाएगा। हाँ चले, 200 तक बताएं डाउट्स। देखिए 96 क्या है, क्या पूछना चाह रहा है? ग्राफ्स बने हुए हैं ई वर्सेस एक्स के। ओके, plotted against x for the values of x from close to 0 to slightly less than r, which one of the following best represent, मतलब यार कुछ नहीं यार, ये क्वेश्चन है, क्या है? ये एक चार्ज रखा है, ये एक चार्ज रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r। किसी एक से ट्रैवल स्टार्ट करो x का, तो बताना है कि फील्ड क्या होगी। तो बताओ पहले फील्ड 0 कहां पर होगी अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो? सेंटर पर। और किसी इधर वाले पॉइंट पर देखोगे तो क्या होगा? चेक करनी पड़ेगी फील्ड। ओके, तो मान लेते हैं इधर से x है, तो इधर से कितनी होगी? r minus x। तो चलो फील्ड का फॉर्मूला कर लेते हैं। फील्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम, तो k³/r² आएगा ना, मतलब क्या आएगा? 1/x² - 1/
आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये समझा कि नहीं? Yes. हमने क्या कि दोनों फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि ये फंक्शन क्या है, किस टाइप पे वेरिएबल दिख रहा है ये फंक्शन, ठीक है? इसका नेचर देखना पड़ेगा यार, ये फंक्शन कैसा जाने वाला है। तो ऑप्शन देख के कर लेते हैं तो बेटर है, समझा कि नहीं यार? ऐसे फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ये थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि किस तरीके का फंक्शन है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का है, ठीक है? देखते हैं, रुकें, ग्राफ देखें। ओके, नंबर वन की सेंटर पर होगी जीरो, ठीक है? नंबर टू डायरेक्शन देखना क्या होगी, जब आप ए प्लस के पास हो, जब आप ए प्लस के पास हो, सेंटर पर है जीरो, अगर आप इधर पर आओगे तो कौन सा डोमिनेट करेगा? ए वाला। ए की फील्ड स्ट्रांग होगी राइट वर्ड, और बी की क्या होगी? लेफ्ट वर्ड। तो कौन डोमिनेट करेगा? ए। मतलब इस तरफ किस तरफ होगी फील्ड? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये समझा है नहीं? नेक्स्ट इधर पर आकर देखते हैं, इधर पर क्या होगा? बी वाला प्लस से ज्यादा होगा, वो इधर होगा, और ए वाला प्लस आगे की तरफ। तो कौन डोमिनेट करेगा इस बार? बी वाला। तो इस वाले साइड पर ई कैसे रहने वाली है? नेगेटिव। तो ऐसे कौन से ग्राफ दिख रहे हैं अपन को? वन एंड थ्री। और वन एंड थ्री में मुझे पता है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस टाइप का है? वन। हाँ, कैसे क्लियर हुआ हमें ये चीज? वन बार स्क्वायर। हाँ, क्योंकि उसमें वेरिएबल थे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा था, तो इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा ये? तो इसलिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो पक्का कॉम्प्लेक्स नहीं है, मे बी उसमें कुछ ऑप्शन से सॉर्ट किया जा सके, ठीक है? तो बिना मतलब इसे लिख के प्लॉट नहीं करने लग जाना, थोड़ा कॉमन सेंस से काम बन जा रहा है। ओके, चले 98 देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, माइनस डीवी बाई डी। मतलब क्या बताना है? स्लोप। यहाँ पर स्लोप बताओ, स्लोप कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सेम होगा ना, मतलब ये ट्रायंगल बना लो, कितनी हाइट है इसकी? 5 अपॉन बेस कितना है? 2। तो कितना आ गया? 2.5। और इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। लेकिन ई के फॉर्मूले के लिए भी तो एक बार नेगेटिव होता है ना, तो ओवरऑल फाइनल आंसर कितना आ गया? प्लस। समझाया नहीं यार? ग्राफ्स के क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी ही होते हैं यार, मतलब स्लोप एरिया यही दो तीन चीजें सोचनी है। क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, चले नेक्स्ट। अप टू 200 कोई और डाउट? अप टू 205 कोई डाउट? ये वाला शीट कंप्लीट फिर पूरा? यस सर। ओके, चले तो आज अपन डाइपोल वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर। देखें, शीट कर लिया था कल डाइपोल एंड ये फ्लक्स वाले सारे। यार शीट टू कर लिया है आप लोगों ने? सो हाफ किए। हाफ मतलब 50 तक ही करने थे, कितने किए हैं अभी? 25 ही किए हैं। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, अभी इसको फिर होल्ड ही करते हैं, आज का टाइम और देते हैं, आज सारे लोग कर लो, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है वो क्या सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, डीसी पांडे सॉल्व कर लें यार, ठीक है? और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक हम एक्सटेंडेड टॉपिक है बट मैं उसे नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्या? कैपेसिटर। तो नेक्स्ट पूरा वीक जब तक हम कैपेसिटर के एटलीस्ट 4-5 लेक्चर्स नहीं कर लेते हैं, सीट स्टार्टिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना?
तो नेक्स्ट संडे का जो टॉपिक रहेगा वो भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट पूरे वीक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का डीसी पांडे बुक पूरा खत्म कर देना है, क्योंकि ये वीक तो ज्यादा नहीं हो पाया डीसी पांडे। ये वीक तो मेनली हमने क्या डिस्कस किया है, शीट। शीट डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीक आप लोग ध्यान से बुक सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट वीक में टॉपिक जरूर कैपेसिटर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन संडे के टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक ही आएगा, ओके। चले ठीक है, तो ये रिमेनिंग जो सेक्शन है ये अपन कल डिस्कस कर लेंगे। आप लोग सारा सॉल्व कर ले, 50 तक सॉल्व कर ले, उसके बाद कैपेसिटर के क्वेश्चन है, 50 तक काफी है। ओके देन, चलो ओके, बाय बाय देन एवरीवन। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। Oh yeah.